दो जुड़वा बहनें एक घर में पली बढ़ी थी साथ। एक जरा सी भोली लेकिन दूजी दिखती स्मार्ट। बढ़ी उम्र दोनों की हो गई शादी की तैयारी। अलग अलग घर बार मिले दोनों की दुनिया न्यारी। अलग अलग है भाग्य सभी के अलग अलग तकदीर। भोली का घर ठीक ठाक पर स्मार्ट को मिला अमीर। एक साथ फिर दोनों के घर में गूंजी किलकारी। मां बनकर उन दोनों की बढ़ गई जिम्मेदारी। बेशक हासिल की जीवन में कितनी ऊंची शिक्षा। लालन पालन बच्चे का है मां की असल परीक्षा। छोटे बच्चे करने लगते पल पल बिस्तर गीला। घड़ी घड़ी में पीछे से खुद को रंग लेते पीला। भोली झट पानी से अपने बच्चे को धोलाती। पोंछ उसे कपड़े से एक सूखी लंगोट पहनाती। और मैले को धोकर के वो धूप में उसे सुखाए। भोली 10-12 लंगोट से महीनों काम चलाए। लेकिन स्मार्ट समझती खुद को पढ़ी लिखी और खास। उसको अपने बच्चे की पोटी से आती बास। उसका तेज दिमाग उसे तरकीबें नई सुझाए। उसने बच्चे की खातिर डायपर के पैक मंगाए। बिना देर किए डायपर बदलो नौकर को समझाया। कई कई डायपर भर जाते फिर नौकर भी घबराया। सड़ने लगे डायपर नौकर बोला अब क्या करना। स्मार्ट बहू जाने पर बंधन फिर काहे का डरना। वो बोली जैविक कचरे को डायपर से अलग करेंगे। खाद बनाएंगे उससे गमलों में उसे भरेंगे। सैनिटाइजर लगा के फिर डायपर को साफ करेंगे। रिसाइकल कर गद्दे और तकियों में उसे भरेंगे। पहला नौकर डायपर बदले दूजा साफ है करता। तीजा नौकर खाद बनाए चौथा गमले भरता। रिसाइकल पर लगा पांचवा छठा उन्हें महकाए। सातवा नौकर गद्दों और तकियों में भरता जाए। स्मार्ट बहू का मैनेजमेंट हर दिन खबरों में छाए। प्रबंधन के छात्र तक भी हुनर सीखने आए। मैनेजमेंट कैसे करती वो उन सबको समझाए। अपनी होशियारी पर वो तो फूली नहीं समाए। एक मिनट का काम नहीं क्यों घंटे वहां खपाए। स्मार्ट बहू की नादानी से बच्चा नित पछताए। देख के ये फूहड़ प्रबंधन भोली भी मुस्काए। अरे सही समझ वाला ही असली समझदार कहलाए। सही समझ वाला ही असली समझदार कहलाए। धन्यवाद।